Hey guys, namaste, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी सीरम के बारे में कि आपको कौन सा विटामिन सी सीरम परचेस करना चाहिए अपने स्किन केयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग विटामिन सी सीरम परचेस करना चाहिए, लेकिन इस बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विटामिन सी जो सीरम्स होते हैं, विटामिन सी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि विटामिन सी होता है वो हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। आपने अपनी बॉडी के अंदर के पीएच लेवल के बारे में सुना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर का जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होना चाहिए या फिर बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे फ्रूट्स खाते होंगे, पानी पीते होंगे, और भी सारे लोग आपको यही सजेस्ट करते होंगे, लेकिन आपकी स्किन का जो सरफेस होता है उसका पीएच लेवल बॉडी के अंदर के पीएच लेवल के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मतलब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही फ्लॉलेस आपकी स्किन है, ग्लो है आपकी स्किन पे, कोई दाग धब्बे नहीं है, झुर्रियाँ नहीं है, ड्राइनेस नहीं है, सॉफ्ट है आपकी स्किन, तो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस हो रही है या फिर एजिंग जैसे होने लगती है ना स्किन में, तो अगर आप उसका पीएच लेवल टेस्ट करोगे तो उस स्किन का जो पीएच लेवल होगा, जो पीएच होगा वो थोड़ा सा अल्कलाइन होगा। तो थोड़ा सा एसिडिक अगर आपकी स्किन है तो एक तरह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसीलिए विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करते हैं, और विटामिन सी सीरम इसीलिए हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेमन भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में लेमन को लगाइए तो लेमन को किसी दूसरे इन्ग्रीडियंट में मिक्स करके ही लगाना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ चार विटामिन सी सीरम, जैसे कि एक है रिकास्ट विटामिन सी सीरम, सेंट वॉटिंग का विटामिन सी सीरम, और गुड वाइब्स के दो विटामिन सी सीरम हैं। एक है विटामिन सी एंड विटामिन ई एज रिफाइनिंग सीरम, और दूसरा मेरे पास विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम। सारे विटामिन सी सीरम के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, मैंने सजेशन में डाला है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा विटामिन सी सीरम परचेज करना चाहिए। तो गाइस, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आज का जो सबसे पहला प्रोडक्ट होने वाला है वो है सेंट बॉटेनिका विटामिन सी सीरम। ये वाला जो विटामिन सी सीरम है वो थोड़ा सा प्राइजी है, मतलब 1200 रुपये से लेके 1400 रुपये, 1500 रुपये के आसपास आपको ये सीरम मिलता है ऑनलाइन। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपकी स्किन 30 इयर्स के अबव है, आपकी स्किन सैगी हो रही है, ढीली पड़ रही है, ड्राई, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब पैचीनेस हो रहा है आपकी स्किन में, रिंकल्स आ रहे हैं आपकी स्किन में, 30 इयर्स के अबव हो आप, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, अगर ये सारी सिचुएशंस आपके साथ टैली कर रही हैं और आप बजट मेंटेन कर सकते हो, तो फिर आंखें बंद करिए और इस वाले विटामिन सी सीरम। आज का जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है रिकास्ट विटामिन सी सीरम। तो अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, और या फिर आपकी स्किन जो है कोई स्किन में इश्यूज नहीं है, 18 से 25 साल आपकी एज है, आपकी स्किन क्वाइट नॉर्मल है, मतलब स्लाइट आपकी स्किन ड्राई है या फिर स्लाइट ऑयली है, आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना चाहते हो, एज ए प्राइमर भी आप विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, 500 से 600 रुपये के बीच का प्राइस है। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जो प्राइस होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन 500 रुपये से लेकर 600 रुपये आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है। हालांकि किसी तरह के स्पॉट्स वगैरह को, किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम को, जैसे कि रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, इस तरह को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो अगर आपकी स्किन है नॉर्मल, एक तरह से जिसको हम बोलते हैं, तो नॉर्मल स्किन तो कोई होती ही नहीं है, अगर आपकी स्किन स्लाइट ड्राई है, स्लाइट ऑयली है, या फिर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 से 25 साल आपकी उम्र है, तो आंखें बंद करिए और इस वाले विटामिन सी सीरम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी गुड वाइब्स के विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम के बारे में। कैसे ये वाला जो सीरम है बहुत ही मतलब चीप रेंज में आते हैं गुड वाइब्स के सीरम, और 200 रुपये के आसपास आपको ये आराम से मिल जाएगा, उससे कम में भी मिल सकता है अगर ऑफर चल रहा हो तो, वैसे 200 रुपये के आसपास आप मानिए इस सीरम को। और ये वाला जो सीरम है, अगर आपकी आपका बजट कम है, मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, और आपके स्किन
में प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, आप 18 से 25 साल की एज के हैं, तो फिर आप इस सीरम को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्किन में कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो ये उसको अच्छे से रिकवर नहीं करता है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा सीरम है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस वाले सीरम के साथ ज़रूर जाइए, और आपकी स्किन को ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, और प्राइम की तरह भी आप अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस सीरम को। मेरा जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन ई का एज रिफाइनिंग सीरम। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है, और आपका जो स्किन टाइप है वो सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो फिर आंखें बंद करके आप इस वाले प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। वैसे गाइस ये वाला जो सीरम है वो किसी भी स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों के ऊपर ये अच्छा जाता है, और बाकी किसी भी स्किन टाइप के हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शेयर करना चाहती हूँ विटामिन सी सीरम से रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। गाइस क्या होता है, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स का रिव्यू देते हैं, लेकिन सबकी स्किन अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस जो है वो सेम एक्सपीरियंस आपके भी हों। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख के कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो को देख के कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि प्लीज़ पहले आप एक छोटी मतलब कम क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को परचेस करिए, उसके बाद ही आप बड़ी क्वांटिटी को परचेस करिए। आप लोगों की बहुत सारी गलती ये होती है कि आप लोग बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं, हम सारे वीडियोस को, और ढेर सारे आप जो है प्रोडक्ट्स को परचेस कर लेते हैं, तो ऐसा मत करिए। सबकी स्किन अलग हो सकती है, स्किन पर जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। सो गाइस आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल के बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, साथ में मेरे वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेन एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।